कानून ने भारत के संविधान के अनुसार जो कानून बनाया है ड्राइवर के लिए वो बहुत गलत है। बाई दफा कोई हादसा हो जाता है, ड्राइवर कोई भी जानबूझ के हादसा नहीं करता है। और बाई दफा कोई हादसा हो जाता है, ड्राइवर वहाँ मौजूद रहे तो उसको पब्लिक भी मार देती है। तो मेरी नज़रों में, हम सब ड्राइवरों की नज़रों में ये है कि जो ये सरकार ने कानून बनाया है ये गलत है। और जो सरकार इसका साथ दे रही हो, अपनी सरकार का कोई बहिष्कार नहीं करेगा। समस्या इस तरीके की है कि हमारे देश के अंदर जो कानून पास किया गया है हिट एंड रन के अंदर बताया गया है कि आप वाहन चालक से कोई हादसा हो जाता है, अगर उसको हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन लेके नहीं लेके जाते तो आप पे 10 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा है। ऐसे में मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हम व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने या अस्पताल ले जाने से पहले अगर वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ की जनता जो है वो हमें मार देगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और हमसे किसी भी तरीके से वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारे यहाँ की भारत सरकार लेती है या हमारे यहाँ के मंत्री लेते हैं या चेयरमैन लेते हैं या कमिश्नर लेते हैं या कलेक्टर लेते हैं? इसलिए हम लोगों ने ये एक हड़ताल जारी रखी है और पूरे प्रदेश के अंदर ये हड़ताल है और हम सभी के साथ हैं। एक तारीख से हमने 1/1/2024 से हमने हड़ताल जारी रखी है और ये जारी जब तक रहेगी, जब हमारे देश के अंदर कानून के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे।